के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने किया रामगढ़ झील जेंटी और नौकायान केंद्र का निरीक्षण, कहा सुंदरीकरण के साथ बढ़ाई जाएगी मूलभूत सुविधाएं। चिलुवाताल पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी और बिक्री में शामिल दो अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1,00,000 रुपए कीमत का नशीला पदार्थ बरामद, छोटी छोटी पुड़िया बनाकर करते थे नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई विश्व योग दिवस की तैयारी बैठक, क्षेत्रीय यूनानी एवं आयुर्वेदिक अधिकारी बनाए गए नोडल अधिकारी। मंडलायुक्त ने कहा अधिक से अधिक लोगों को योग के लिए करें प्रेरित। फास्ट ट्रैक कंपनी के जांच अधिकारी की शिकायत पर हुई कार्रवाई, फास्ट ट्रैक घड़ी की नकली रिस्ट वॉच बेचने वाले हुए गिरफ्तार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पल्स पोलियो तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक। 23 जून से पल्स पोलियो एवं 1 जुलाई से शुरू होने वाले संचारी रोग अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के दिए निर्देश, कहा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। एसडीएम सदर ने आबकारी निरीक्षक को लेकर देशी और विदेशी मदिरा के 6 दुकानों पर मारा छापा, 4 दुकानों में मिली अनियमितता, कार्यवाही के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के आय व्यय को लेकर एडीएम सिटी के अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, 30 जून तक प्रत्याशियों को चुनाव के खर्च का ब्यौरा देने का दिया गया निर्देश। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर महानगर भाजपा के पदाधिकारियों को अंग वस्त्र एवं शील्ड प्रदान कर किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष ने चरगावा कृषि विद्यालय में तौल केंद्र का किया उद्घाटन तथा तौल केंद्र का भी किया निरीक्षण। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के बैनर तले कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन। मुख्य अभियंता कार्यालय पर विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश ने 4 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, नहीं हो पा रहा है निविदा मजदूरों की समस्याओं का निस्तारण। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों के विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन, निस्तारण की मांग।